तो है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आईपीएल 2020 पॉइंट्स टेबल अपडेट में वापस से एक बार आपका स्वागत है। बात करें जो रीसेंट मुकाबला हुआ मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, जो मुकाबला बिल्कुल एक तरफा रहा। मुंबई इंडियंस ने सीएसके की टीम को 10 विकेट से हरा दिया और पॉइंट्स टेबल में मुंबई अब आ चुकी है टॉप पे। और अब देखते हैं पॉइंट्स टेबल पे क्या समीकरण बैठ रहा है। शुरुआत करें, नंबर 8 पे है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। 11 मुकाबले खेले हैं, मात्र 6 पॉइंट से यानी कि 3 जीत है और -0.73 का नेट रन रेट है। और 99.99% यहां पर आप मान के चल सकते हो कि सीएसके इज आउट ऑफ आईपीएल 2020। लिटरली यार बहुत ही कम चांसेस हैं, मतलब 12 पॉइंट्स पे अब क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है सीएसके की टीम के लिए। करें नंबर 7 पे है राजस्थान रॉयल्स की टीम। इनकी भी सिचुएशन कोई बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं। 11 मैचेस खेले हैं, 8 पॉइंट से यानी कि 4 जीत है, -0.62 का इनका नेट रन रेट है। और यहां से इनको क्वालिफाई करना है तो लगभग हर मैच जीतना ही पड़ेगा, फिर भी 14 पॉइंट्स ही होने वाले। और आगे जाके अब देखते हैं, ये भी लगभग डिपेंड रहने वाले हैं दूसरी टीम्स के रिजल्ट के ऊपर। बात करें नंबर 6 पे है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। 10 मुकाबले खेले हैं, 8 पॉइंट्स है यानी कि 4 जीत है और -0.17 के इनका नेट रन रेट है। हर मैच डू और डाई रहने वाला है इनके लिए। नंबर 5 पे है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। इन्होंने भी 10 मुकाबले खेले और सेम इनके पास भी 8 पॉइंट्स है यानी कि 4 मैच जीते इन्होंने और +0.09 के इनका नेट रन रेट है। तो हैदराबाद और पंजाब दोनों को ऐसे अगर क्वालिफाई करना है तो एटलीस्ट 3 मुकाबले, जो उनके बचे हुए 4 मुकाबले उसमें से 3 या 4 मुकाबले जीतने ही पड़ेंगे। 2 मुकाबले अगर हारती है दोनों ही टीमें तो ये दोनों भी लगभग बाहर। नंबर 4 पे है केकेआर की टीम, जिसके में कुछ ज्यादा चांसेस लग रहे हैं क्वालिफाई होने के, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं पंजाब कैन क्वालिफाई। 10 मुकाबले केकेआर की टीम ने खेले हैं, 10 पॉइंट से यानी कि 5 जीत है और -0.82 का नेट रन रेट है। तो नीचे चौथी पोजीशन के लिए केकेआर, हैदराबाद और पंजाब, ये तीनों लड़ने वाली है। और टॉप 3 की बात करें तो वो टॉप तीनों टीमें अलग ही लड़ रही है टॉप 2 में आने के लिए। नंबर 3 पे अब खिसक चुकी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। 10 मुकाबले खेले हैं, 14 पॉइंट से यानी कि 7 जीत है, +0.18 का नेट रन रेट है। 2 पे है दिल्ली कैपिटल्स, 10 मुकाबले इन्होंने भी खेले हैं, 14 पॉइंट से +0.77 का नेट रन रेट है। और नंबर 1 पे अब आ चुकी है चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम। 10 मुकाबले खेले हैं, 7 जीत है यानी कि 14 पॉइंट से और +1.44 का इनका नेट रन रेट है। तो अब टॉप 3 में देखते हैं टॉप 2 में कौन फिनिश करेगा। और फोर्थ पोजीशन के लिए केकेआर, हैदराबाद, पंजाब लड़ने वाली। और कहीं से अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम आ गई तो वो भी बहुत ज्यादा स्लाइट चांसेस है, लेकिन सीएसके के लिए ये आईपीएल लगभग अब खत्म हो चुका है। सो बस मेरी तरफ से आज की यही वीडियो थी। ऑरेंज कैप फटाफट बात करें, ऑरेंज कैप अभी है केएल राहुल के पास और पर्पल कैप है कगिस और अपाडा के पास। मैं मिलता हूं आपसे अगले ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।